दिनों बीएचयू में ट्रिपल तलाक के सवाल पर बवाल मचा हुआ है। 22 नवंबर को बीएचयू में एमए थर्ड सेमेस्टर के इतिहास के पेपर में ट्रिपल तलाक और हलाला पर सवाल पूछा गया, जिस पर कई कट्टरपंथी संगठनों ने नाराजगी जताई है। कई छात्रों का आरोप था कि ये सवाल खास एजेंडे के तहत सिलेबस में ना रहते हुए भी पूछा गया है। सच क्या है, देखिए वाराणसी से रवि पांडेय की ये रिपोर्ट। इस्लाम में तीन तलाक और हलाला एक सामाजिक बुराई है, व्याख्या कीजिए। यह सवाल बीएचयू में हिस्ट्री के एमए थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया, लेकिन वही सवाल अब कट्टरपंथियों के सीने में तीर की तरह चुभ गया है। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई है, जबकि मुस्लिम महिला फाउंडेशन को कोई एतराज नहीं है। कई छात्रों का आरोप है कि ऐसे सवाल एक एजेंडे की तरह पूछे जा रहे हैं, जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। छात्रों के सिलेबस जो हैं उनके और सवाल कहीं मैच करते ही नहीं, कहीं ना कहीं पद्मावती जैसे सवालों में उलझाना, कहीं ना कहीं तीन तलाक जैसे सवालों में उलझाना, तो ठीक उसी तरह की एक पैरेलल राजनीति बीएचयू में भी चल रही है। तीन तलाक का मसला है, हम लोग उसके बारे में कोई चीज़ जानकारी नहीं रखते हैं और हमारे सामने 15 नंबर का 10 नंबर का पेपर आ जा रहा है कि 400 वर्ड में तीन तलाक पर आप लिखिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई विश्वविद्यालय में किसी एक विचारधारा या तय एजेंडे के तहत एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे थे। ये जानने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर रवि पांडे बीएचयू के इतिहास विभाग पहुंचे, जहां इतिहास के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव मौजूद थे। केएस लाल की हिस्ट्री ऑफ खजीज, इसको आप पढ़िए, और इस पूरी किताब में पद्मावती का अलग से चैप्टर दिया हुआ है, अलग से उसके बारे में बताया गया है और सारे वाद विवाद का निस्तारण भी किया गया है। सबूत हमारे सामने था, पाठ्यक्रम की किताब और किताब में वो अध्याय भी शामिल था जिससे जुड़े कई सवालों को छात्र सिलेबस से बाहर का बता रहे थे। अब बारी थी इतिहास के उन छात्र छात्राओं से बात करने की जिन्होंने खुद ट्रिपल तलाक और पद्मावती के जौहर से जुड़े सवालों का उत्तर लिखा था। कि तीन तलाक उस समय में इस्लाम में एक बुराई थी, तो वो अलग से कोई टॉपिक तो है नहीं कि मतलब वो मेंशन है, वो था, मतलब कोई खिलाफ नहीं है हम इसका। अगर मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में यदि बात ये आती है तो हम जरूर तलाक और हलाला जैसे मुद्दों पे बात करते हैं, सवाल आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, हम उसका जवाब भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस के बाहर का था, निश्चित रूप से उसको विवाद जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस के अंतर्गत ही यह प्रश्न पूछा गया है। इन छात्राओं का कहना है कि ऐसे सवाल हर साल पूछे जाते हैं और ये हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाए भी जाते हैं। रवि पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।